गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। अगेन आई हैव कम टू टीच यू। तो देखो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस चैप्टर 7। अब हम फ्यूचर में एंट्री कर रहे हैं, तो आज हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर विल बी प्लस V3। यानी कि विल बी के साथ अगर V3 आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी विल बी के साथ अगर V3 आ जाए, क्रिया का तीसरा रूप, फ्यूचर में कोई काम होता है या कोई काम किया जाता है, वो भी किसी के द्वारा, बट वो उसमें मेंशन नहीं है। अगर मेंशन है तो भी फ्यूचर पैसिव वॉइस कहलाएगा। ये तो हो गया हमारा इंग्लिश में समझना। अगर हमें हिंदी में समझना है, अगर हमें हिंदी में सेंटेंस बोलना है, वो जिनमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, यानी करने वाला डूअर नहीं होता है, यानी कोई काम जो करते हैं वो नहीं होते हैं, तो हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं विल बी प्लस V3 पे। जैसे सेंटेंस लिखा है टी विल बी टेकन, यानी कि चाय पी जाएगी। टी विल बी टेकन, चाय पी जाएगी। बुक्स विल बी रेड, किताबें पढ़ी जाएंगी। तो जब भी आपको फ्यूचर में ऐसे सेंटेंस बोलना हो जिनमें सब्जेक्ट ना हो, डूअर ना हो, राइट, सब्जेक्ट मीन्स करता, डूअर मीन्स करने वाला, उन वाले सेंटेंस को आप विल बी प्लस V3 पे बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के सहारे, ठीक है। जैसे खाना बनेगा, फूड विल बी कुक्ड। इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश विल बी स्पोकन। जूतों पर पॉलिश की जाएगी, शूज विल बी पॉलिश्ड। मेरे घर को बनाया जाएगा, माय हाउस विल बी बिल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी आपको फ्यूचर में कोई सेंटेंस बोलना हो पैसिव वॉइस में, यानी कोई काम होगा, तो आप बना सकते हैं विल बी प्लस V3, यानी विल बी के साथ क्रिया का तीसरा रूप। यहाँ पे एक अच्छी बात है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक बचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके लिए आंख मूंछ के विल बी विल बी विल बी आएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको विल बी के बीच में नॉट लगाना है, ना कि विल बी के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर में, तो विल बी के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे कल क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी, द क्लास विल नॉट बी टॉट टुमारो, द क्लास विल नॉट बी टॉट टुमारो। नॉनवेज नहीं बनेगा कल, नॉनवेज विल नॉट बी कुक्ड टुमारो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बिल पहले आ जाएगा, यहाँ पे भी बिल पहले आ जाएगा। तो बिल और बी, यानी बिल और बी के बीच में आप रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे बिल बुक्स बी रेड, क्या किताबें पढ़ी जाएंगी। बिल टी बी टेकन, क्या चाय पी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यस में भी आंसर दे सकते हैं, नो में भी आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है आई डू, सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, दे एंड यू, ये चारों हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हो गए। और बट ये काम नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट होने के बाद भी ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट पहले में है, यानी स्टार्टिंग में ही अगर सब्जेक्ट है लेकिन वो काम कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस बन जाता है। पैसिव की यही पहचान होती है कि उसमें कोई सब्जेक्ट होता भी नहीं, अगर होता भी है तो काम नहीं करता है, और करता भी है तो फिर लास्ट में करता है, यार ये पैसिव वॉइस है। जैसे आई विल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा, पता नहीं कौन पढ़ाएगा यार। ही विल बी टॉट, उसे पढ़ाया जाएगा। दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाया जाएगा। यू विल बी टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, बट पढ़ाने वाला कौन है पता नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इन्हीं सेंटेंसों को अगर बनाना है के द्वारा, तो आप बाय 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 पीछे से लगा देना, ये सेंटेंस बाय वाले बन जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आई विल बी टॉट बाय यू, ठीक है फ्रेंड्स, मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ऐसे आप किसी भी सेंटेंस के पीछे बाय लगा देंगे तो ये राइटिंग वाला पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर आपको स्पीकिंग में बोलना है बिना बाय के, तो आप ये वाले पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो वही विल बी के बीच में नॉट लगा दो, आई विल नॉट बी टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा। इंट्रोगेटिव अगर आपको क्वेश्चन करना है तो बिल पहले आ जाएगा, यानी विल बी के बीच में जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे आप सब्जेक्ट रख देंगे। क्या तुम्हें इन्वाइट किया जाएगा, विल यू बी इन्वाइटेड। क्या मेरी पिटाई लगेगी, विल आई बी बीटन, विल आई बी बीटन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने सब्जेक्ट पर सीखे एंड ऑब्जेक्ट पे। अब हम बात करते हैं ऐसे पैसिव वॉइस जिसमें ना तो सब्जेक्ट होगा ना ऑब्जेक्ट होगा, ओनली एक्शन होगा। देखो ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन है। और हमेशा याद रखना, किसी भी हेल्पिंग वर्ब में टाइम वर्ड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या जाए, V3, तो समझ लो कहीं ना कहीं पैसिव जरूर होगा और काम किसी के द्वारा हो रहा हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इट विल बी डन, किया जाएगा। इट विल बी प्लेड, खेला जाएगा। इट विल
be taught, पढ़ाया जाएगा, it will be told, बताया जाएगा, it will be spoken, बोला जाएगा. तो इन सभी लाइनों में ना तो सब्जेक्ट दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हमारा पैसिव है, क्योंकि इसमें क्या रही है थर्ड फॉर्म. तो विल बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लो वो क्या हमारा पैसिव वॉइस है, यानी किसी के काम द्वारा होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय एंड टेक केयर.